क्या है? ग्रहण? ये तो कोई ग्रहण का समय नहीं। फ्रीजा के हाथों अपने प्लैनेट को गंवाने के बाद नेमेक के लोग एक नई दुनिया ढूंढने पर मजबूर हो गए जहां वो शांति से रह सके। अब एक बहुत बड़े रूप में घुसपैठिए ने नए नेमेक पर धावा बोल दिया है। अगर जल्द ही इस खतरे से निपटने का तरीका नहीं मिला तो सारी की सारी नेमेकियन जाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ऊपर गैलेक्सी से डेंडे धरती का नया पहरेदार अपनों की मजबूरी को भांप लेता है और अपने वफादार सलाहकार मिस्टर पोपो की मदद से अपने साथियों को बचाने का फैसला करता है। इतना मत सोचो, तुम उससे मदद मांग सकते हो डेंडे। थैंक यू गोकू, उन्हें बचाइए। शुरू करो दोस्तों, याद रखो अगर अपनी शक्ति बरकरार रखनी है तो खाना जरूरी है। हाँ ठीक कहा। अगर ये राज मुझे पहले पता होता तो मैं आज सुबह इतनी कसरत नहीं करता। थैंक्स मास्टर रोशी मुझे नहीं बताने के लिए। हे डैड, आप बाहर जा चुके हैं तो बताइए ना नामिक कैसा दिखता है। सच कहूँ तो पुराने नामिक जैसा ही है, बस ज्यादा पेड़ है। मैं जहाँ गया था वहाँ तो ऐसा ही था। खैर, जाने से पहले हम वहाँ की सैर जरूर करेंगे। ओके। अगर मुझे पता होता कि ये सफर फैमिली वेकेशन बन जाएगा तो मैं सेंट्रल बीच अपने पास रखकर घर पर ही रहता। अच्छा होता वहीं रहते, हम बोर तो नहीं होते। लेकिन फिक्र होगा क्या? ओ, ओ, उनकी फिक्र मत करो, वो खाना नहीं खाते।
हाँ, नैमिक को अपने फिगर का ध्यान रखना पड़ता है, समझे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका वजन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, पर उनके घमंड का। हे, मैं एक सुपर नैमिक हूँ। धीरे बोलो दोस्तों, कहीं वो सुन ना ले। कि हम ऐसे किसी मुसीबत से टकराएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते हो वो चीज क्या है? हाँ, काफी बड़ी और डरावनी है। तुम्हें यकीन है कि वहीं कहीं नया नैमिक है? इस अच्छे सवाल का जवाब है नहीं। बकवास मत करो, वो ग्रीन वाला ही है। तुम्हारा मतलब ये दोनों प्लैनेट है? हो सकते हैं, पर अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो छोटा वाला बड़े वाले को खाना चाहता है। ठीक है, चलो दोस्तों। रुको मेरे भाई। क्या ये वही है? अपनी भलाई चाहते हो तो इस प्लैनेट से चले जाओ। ओ गोहन, तुम हो। शुक्र है तुम आ गए। तुम नैमिक वासियों को अपना गुलाम नहीं बना सकते। सुना तुमने? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम अकेले हो, गोकू को हराने के लिए तुम्हें एक पूरी फौज की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने का मौका दे रहा हूँ। मैं मारधाड़ से मामला सुलझाना नहीं चाहता, लेकिन सोच लो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुमसे मजबूरन लड़ना पड़ेगा। गई बात तुम्हारे भेजे में। चले जाओ वरना तुम्हें पत्रे का ढेर बना देंगे। hey, इनसे भी कुछ कहो पहलवान। दिमाग खराब है क्या? तुम्हें लगता है ये मेरी सुनेंगे? ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे साइक्लोपीन गार्ड जवाब नहीं दे सकते। अगर जवाब दे पाते तो तुम इनसे क्या सुनना चाहते? मैं तुम्हें जानता हूं, तुम कूलर हो।
पर वो मर चुका है। हाँ, ये तो जिंदा हमारे सामने खड़ा है। जितना चाहो उतना छटपटा लो, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने मेरे परिवार का अपमान किया, तुम्हारी यही सजा है। तुमने लाखों मासूम लोगों की जान ली है, मैं तुम्हें और लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। कौन जिएगा कौन मरेगा उसका फैसला मैं करता हूँ। सारे जीवित इंसान मेरे लिए सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। मेरी ताकत और मेरे शासन के बाद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या जाए तो मुझे हर हाल में मरा हुआ होना चाहिए, तुम्हारी सूरज की गर्मी से जला हुआ होना चाहिए। लेकिन किस्मत को मेरी मौत मंजूर नहीं थी, उसने मुझे दूसरा मौका दे दिया और बिग गैजी स्टार की शक्ति की वजह से मेरा दोबारा जन्म हुआ। ताकतवर और सुडौ नए और बेहतर रूप में, जैसा कि तुम देख रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बिग गैजी स्टार ही वो मॉन्स्टर है जो इस प्लेनेट पर हमला कर रहा है। मैं इसका जवाब जरूर देता, पर क्या फायदा, तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे घटिया नैमिक। तुम एक बार मुझसे बच गए, लेकिन मेरे सिपाही अब उस गलती को सुधारेंगे। मैं ये नेक काम खुद करता, पर मुझे कर्ज चुकाना है। सर फिरे मॉन्स्टर, अपनी बकवास बंद करो। हे, लगता है यहाँ पर सब कुछ इनके कंट्रोल में है। हाँ, तो क्या ख्याल है, यहाँ से घर का रास्ता नाप ले? अपना रोना बंद करो, समझे? तुम मास्टर रोशी की तरह नहीं बन सकते क्या? वो तो यहाँ से घर भागकर जाने की जिद नहीं करते। दरअसल मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। अलग हो जाओ। तो शायद हमें पुराना हिसाब बराबर करना है। हाँ, तुम कर्ज का जिक्र कर रहे थे। हाँ, कर रहा था। ओके, मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, या तो रोना बंद करो या फिर छुपने की कोई और जगह ढूंढो। देखा, ये होती है बहादुरी। छोड़ दो, मेरे बुढ़ापे का तो लिहाज करो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे मंजूर है। मैं जानता था। हे, क्या हम प्यार मोहब्बत से मामला नहीं सुलझा सकते? मैं जानता था। Ah!
मर गया। कहो क्या हाल है दोस्त? कुछ खास नहीं, ये काफी ताकतवर है। मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। हम इसके कवच के अंदर वार कर सकते हैं। अपनी सारी ताकत अपने निशाने पर लगा दो। फोकस, उससे ये जरूर हिल जाएगा। लोग और आ गए। फोकस। हाँ, फोकस। हमला। अगर ये मार सकते हैं तो मैं नहीं मार सकता। Ugh!
सोच रहे हो? यही ना कि तुम पहले मुझे हराने में कामयाब कैसे हुए? क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम डॉच कर पाओगे। कमाल की चाल चली तुमने। तुम्हें ये चाल पसंद आई? हाँ, इसे कहते हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन। जानता हूँ, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। तुम्हारी फेवरेट? आसा उल्टा पड़ गया। सामने आने का फैसला कर ही लिया। मैं तो कहूंगा बहुत ही सही फैसला किया है तुमने, क्योंकि मुझे तुम्हारा यही रूप सबसे ज्यादा पसंद है, सुपर सैयन। तो तुम्हें इसी रूप में अपनी मौत को गले लगाना चाहिए। तुमने कोशिश कर ली। ठिकाने आ गए होंगे। बिग गेट स्टार से मिलने का वक्त आ गया है। मेरा शरीर हर वक्त बिग गेट स्टार के मेन कंप्यूटर की नजर में रहता है। जैसे ही मैं जख्मी होता हूँ वो फौरन मुझे ठीक कर देता है, और मेरे डिजाइन की जिस कमी की वजह से मैं जख्मी होता हूँ उस कमी को दूर कर दिया जाता है।
ये वाकई कमाल की बात है। अगर साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। मुझे थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। जितनी चाहो कोशिश कर लो। और वो पल आ गया है जिसका मैंने सपना देखा था। गुड बाय। आज तुम किसी सीएम का खून नहीं बहाओगे। ये कौन है? थैंक्स वेजिटा। एक दूसरा सुपर सैयन। नंबर में जरूर दूसरा हूँ पर काबिलियत में नहीं। अब तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। कैकरॉट से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सुपर सैयन हाँ, पर हर बंदर एक जैसा होता है। तुम सिर्फ बातों के शेर हो और मैं दांतों का। अभी पता चल जाएगा। नहीं, रुक जाओ। बस बहुत हो गया। आज तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ध्यान से सुनो प्लीज। पता नहीं यहाँ से निकले। आप सब शांति से मेरे साथ आइए और कटने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। हमें तो बिग गेटी स्टार की पावर बढ़ाने के लिए आपके शरीर की एनर्जी चाहिए और इसलिए आपको काटना जरूरी है। तुम किसी को कुछ नहीं करोगे। वाह वाह, तुम्हारे अंदर तो काफी जोश है ना। गुड, हम आपसे शुरू करते हैं। अरे नहीं, लगता है एक और मेहमान आया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बहुत ताकतवर है। मेरी तो हालत खराब हो रही है लेकिन उस पत्ते के डब्बे पर तो खरोंच तक नहीं आई। तुम अभी लड़ सकते हो क्या? ये आखिर किस तरह का सवाल है? देखो, यही हाल रहा तो हम ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है। हम दोनों को अपनी शक्तियां मिलाकर एक ही वक्त पर हमला करना होगा। मैं तुमसे ऑर्डर्स नहीं लेता। जाओ। मैं जानता था तुम यही कहोगे। वो आ रहा है। रजिता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी रास्ते से दूर रहो। आ!
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। देख लिया, मैंने कहा था ना, मिलकर हमला करेंगे तो जीत सकते हैं। पता था आज का दिन खराब है, पर इतना खराब आखिर यहाँ हो क्या रहा है? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि बिग गेटी स्टार मेरे शरीर की किसी भी कमी को झट से ठीक कर देता है। भले ही वो कमी ये क्यों ना हो कि मेरे पास एक ही शरीर है। मैं सोच रहा हूँ कि एक मेटाकूलर से तुम्हारा ये हाल है तो हजार मेटाकूलर के सामने क्या होगा। हमारे पास कोशिश करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मेरे पैर टूट रहे हैं। क्या करें बेटीजा, अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है। चुप रहो। बिग गेटी स्टार में तुम्हारा स्वागत है। खुलो, तुम कहाँ हो? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं हर जगह हूँ, लेकिन जो तुम जानना चाहते हो उस सवाल का जवाब है कि मैं यही इसी जगह हूँ, ठीक तुम्हारी आंखों के सामने। क्या? कहानी कुछ ऐसी है। अंतरिक्ष की गहराइयों में दूर कहीं एक अकेला लेकिन सही सलामत कंप्यूटर चिप हुआ करता था। वो कई सालों तक स्पेसशिप और सैटेलाइट के मलबे के बीच भटकता रहा, लेकिन एक दिन उस होशो हवास वाले चिप ने खुद को मल्टीप्लाई करने का तरीका ढूंढ लिया। उसने अपने आसपास की चीजों से तब तक एनर्जी खींचना जारी रखा जब तक कि वो चिप से एक बड़ी सी मशीन नहीं बन गया। ऐसा करते हुए उसने मेरा रहा सहा शरीर और दिमाग भी खींच लिया। मेरा दिमाग मेन कंप्यूटर के दिमाग से मिल गया, कंट्रोल मेरे पास आ गया। इसलिए देखा जाए तो मैं ही बिग गेटी स्टार हूँ। लेकिन मेरे पास जो टेक्नोलॉजी थी, मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नया मेटल का शरीर बनाया जिसे मेगा कूलर कहते हैं। शायद तुम उसे जानते हो। तो अब तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? बस ये समझ लो कि मैंने अपने बदले को निचोड़ लेने का फैसला किया है। क्या क्या मजेदार इत्तेफाक है। तुम्हारी एनर्जी उसी प्लैनेट को जलाकर राख कर देगी जिसे तुम बचाना चाहते थे। ठीक है, खत्म कर दो। बहुत बढ़िया, मेरा बदला पूरा हो रहा है। लगता है किसी ने सच ही कहा है, हर अच्छी चीज का अंत होना जरूरी है।
पर सोचो इतने ताकतवर सुपर सैयंस का ऐसा हाल, अगर इनकी ताकत थोड़ी सी ज्यादा होती तो ये मुझ पर भारी पड़ते। क्या ये क्या था? पावर अभी बाहर क्यों निकल रही है? रुको, सर्किट को तो बंद होना चाहिए था, पावर क्यों निकल रही है? रुको, सर्किट गर्म हो गया है, मैं और नहीं सह सकता, रुक जाओ, मत करो। चलो गोहन, ये प्लेनेट अब बिखरने वाला है। हे पिकोलो, कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं। इस प्लैनेट को मैं अपने हिसाब से नहीं चला सकता। मेरे ख्याल से मैंने ये समझने में गलती कर दी कि ये सुपर सेंस कितनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। पिछली बार भी तुमने यही गलती की थी, है ना? कोई और होता तो अब तक सुधर गया होता। चलो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं यहाँ से मामला सुलझाने के बाद मिलता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जिस हाल में तुम इस वक्त हो, उस हाल में तुम आखिर कर कह सकते हो? तुमने सुन लिया ना, हमें सबको यहां से निकालना होगा। तुम चाहो तो जी भर कर हंस लो, लेकिन इस वक्त तुम खुद भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारा कोई मेटा कूलर तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला। मैं उतना बेबस नहीं जितना तुम सोच रहे हो। पता है अफसोस की बात क्या है? जब तक तुम्हें सच्चाई पता चलेगी, इस प्लैनेट को खाने से मुझे रोकने वाला नहीं बचेगा। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ कूलर। अब मैं जान गया हूँ कि तुम जैसों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं तुम्हारी बकवास बहुत सुन चुका। अगर ये सच भी हुआ तो इतना जान लो कि मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। Oh!
सेयर को कम समझने की ये तुम्हारी आखिरी भूल थी। अच्छा हुआ तुम अपने साथ वो सेंजू बीन्स ले आए याजिरो भी। हे, वेजिटा कहाँ है? तुम तो उसे जानते हो, उसे हैप्पी एंड कभी पसंद नहीं आता। अजीब है, क्योंकि उसी की मेहरबानी से ये हैप्पी एंडिंग मुमकिन हुआ है। थैंक यू वेजिटा, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता।